हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो पूरा देखिएगा। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, आपके आरक्षण पे, आपके एडमिशन पे। वीडियो पूरा देखना है, एक एक बात समझते चलना है और वीडियो शेयर कर दीजिएगा देखने के बाद, क्योंकि आपका हक बनता है ये लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने का, आप वीडियो शेयर करते रहिएगा। चलिए आज हम बात करेंगे कि कैटेगरी के आधार पर सीट कितना परसेंट में कितना मिलेगा सीट आपको। अगर आप एससी एसटी में आते हैं या ओबीसी यूबीसी में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो आपको क्या क्या सीटें मिलेगा और कितना परसेंट सीट है और टोटल सीट कितना है, आज इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा वीडियो हमारा। चलिए देखिए, चैनल एकदम ज्वाइन करके रखना है। हम बात कर लेते हैं पहले एससी एसटी वालों को। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे SMQ और EMQ क्या होता है, इसको समझिएगा अच्छे से। हम आपके लिए ये वीडियो आपके इंपॉर्टेंट के लिए बता रहे हैं, क्योंकि फायदा उनको भी है जो SMQ में आते हैं, जो EMQ में आते हैं। सिर्फ पढ़ने वालों के नहीं फायदा, जो अभी जिनका गार्जियन भी पढ़ चुके हैं उनके भी फायदा है। अब क्या होता है समझिएगा बढ़िया से। पहले कैटेगरी के आधार पर हम बात कर लेते हैं कितना परसेंट सीट है। तो एससी जो आते हैं शेड्यूल कास्ट में, एससी में जो स्टूडेंट आते हैं, उनका टोटल सीट में से 16% सीट आपका आरक्षित है। आरक्षण का मतलब क्या हुआ कि कैटेगरी के आधार पर उतना रिजर्व हो गया कि एससी में आते हैं तो उनका टोटल सीट में से 16% सीट जो भरेगा वो एससी कैटेगरी से भरा जाएगा, एससी वाले स्टूडेंट से ही भरा जाएगा। उसके बाद एसटी, एसटी में जो आते हैं आपका 1% सीट आता है, 1% सीट एसटी वालों को दिया है। और ईबीसी, ईबीसी होता है एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट, इसमें जो आते हैं ईबीसी में उनका 18% टोटल सीट है। और बीसी, बीसी में जो आते हैं उनका 12% सीट है। आप समझिए कि सबसे ज्यादा जो सीट आपकी होती है एसी कैटेगरी वालों को और ईबीसी वालों को और बीसी वालों को। बीसी में आते हैं BC1 BC2 ओबीसी वाला। तो बीसी और एसी ये दोनों कैटेगरी और एक ईबीसी, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए होता है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट आते हैं इनका परसेंटेज ज्यादा दिया गया है। और आरसीजी, आरसीजी होता है रिजर्व कैटेगरी गर्ल, जो गर्ल्स में आते हैं, गर्ल्स आते हैं, जैसे जो जितना भी बहुत सारे स्टूडेंट गर्ल्स भी एग्जाम दिए हैं, तो गर्ल्स जो एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, उनका परसेंटेज यहीं जुटेगा। और एसटी में भी आते हैं उनका भी यही है, और ईबीसी में गर्ल्स जो आते हैं उनका भी यही है, और बीसी में जो गर्ल्स आते उतना ही है। लेकिन एक स्पेशल गर्ल्स के लिए आरसीजी दिया गया है, रिजर्व कैटेगरी का सीट दिया गया 3%, 3% सीट है। इसमें गर्ल्स भी होगा, इसमें सब में गर्ल्स होगा, लेकिन 3% एक अलग से गर्ल्स के लिए दिया गया है कि गर्ल्स अगर बचा है तो 3% रिजर्व कैटेगरी में उनको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में आता है इकोनॉमिकल बीकर्स, इकोनॉमिकल बीकर्स मतलब जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए क्या 10% सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब समझिए, इकोनॉमिकल समझिए ना, आर्थिक क्या होता है, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए 10% सीट दिया गया है। क्या दिया, 10% सीट रखा गया है। और यूआर, सबसे ज्यादा सीट आता है यूआर, अनरिजर्व वालों को 40% सीट है। जो स्टूडेंट जनरल में आते हैं, यूआर में आते हैं, उनके लिए 40% सीट है, 40% रखा गया। अब क्या रखा गया 40% में, जोड़िए 16% यहां दिया गया है, 16% में 5% सब में से निकाल लीजिए, 5% सब में सीट, ऐसा सीट रखा गया है सभी में 5% सीट है, 5% सीट रखा गया है वो विकलांगों के लिए है। जैसे जो व्यक्ति जैसे चलने में असमर्थ है, विकलांग है, किसी कारण हाथ टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, यानी विकलांगिक है, उनके लिए सीट रखा गया, जितना आरक्षण सीट दिया गया परसेंटेज, उन परसेंटेज में से 5-5% उनके लिए भी रखा गया है। और उनके लिए रखा गया है, अगर वो ऐसे स्टूडेंट जिनका सीट खाली रहता है तो उनके लिए 5% सीट रखा गया विकलांग के लिए, जो विकलांग है उनका इसमें भी एडमिशन होगा, इसमें भी सब में एडमिशन होगा, 5% इतना परसेंटेज में से रखा गया है विकलांगों के लिए कि विकलांग आएंगे तो इनका इतना परसेंट सीट रखा हो। अगर कोई विकलांग एक आता है पूरे कॉलेज में, एक ही विकलांग स्टूडेंट पहुंचते हैं, तो बाकी सीट जो बचता है 5% में विकलांग को, वो सीट इनको भी मिल जाएगा। समझ रहे बात, मैंने 16% में 5% अपना विकलांग के लिए है, तो विकलांग के में समझिए किसी कॉलेज में मात्र 2 स्टूडेंट पहुंचे, तो वहां जो 5% सीट बचा हुआ विकलांग वाला और 3%, वो 3% इनको ही जुड़ जाएगा जो
जो शारीरिक रूप से ठीक है, यानी शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उनके लिए 5% सीट रखा गया है। समझ रहे बात? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका SMQ, कि SMQ क्या होता है, बहुत लोगों का रहता है क्वेश्चन, सर SMQ क्या होता है, हमको कैसे एडमिशन मिलेगा, तो इसके लिए फायदा होता है। SMQ का मतलब होता है सर्विस मैन कोटा, एक होता है एक्सपायर मैन कोटा, यानी जो व्यक्ति सर्विस से रिटायर कर गया उनके लिए EMQ और जो सर्विस कर रहा है उनके लिए SMQ। तो SMQ होता है जैसे भूतपूर्व सैनिक और सैनिक जिनके घर में वैसे जो आर्मी जे देखिए सेवारत या सैनिक, वैसे घर के परिवार जिनके पिताजी या माताजी अगर सैनिक विभाग में बिहार में है, बिहार पुलिस में है, या फिर कोई सैनिक में है, आर्मी रेल किसी भी सैनिक में है, तो उनके लिए जो सीट रखा गया है SMQ कोटा सीट, सर्विस मैन कोटा सीट अलग से रखा गया है। फिर EMQ वैसे स्टूडेंट जिनके माता पिता सैनिक पहले से थे, या भूतपूर्व सैनिक उनको बोलिए कि सैनिक पहले से थे, किसी भी क्षेत्र में सैनिक में थे, चाहे बिहार पुलिस हो, अब राज्य पुलिस का ही लिया गया, आप कहिएगा ऐसा ना कि उत्तर प्रदेश के है तो ओकरो हो जाएगा, नहीं दोस्त, जो बिहार पुलिस में सैनिक हैं या रिटायर कर गए हैं या आर्मी वगैरह में, उनके लिए EMQ यानी एक्सपायर मैंस कोटा, यानी जो सर्विस से रिटायर कर गए, इनको कहिए तो सर्विस एक्सपायर मैन कोटा, SEMQ भी बोला जाता है। तो जो एक्सपायर कर गए भूतपूर्व पहले थे उनके बाल बच्चा का, और जो अभी सैनिक में हैं, कार्यरत है, सेवा दे रहे हैं अभी सैनिक में, उनके लिए जो बिहार पुलिस में हैं, तो SMQ सर्विस मैन कोटा के अंतर्गत उनको एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि जी एडमिशन कब मिलेगा, तो उनके लिए फायदा है कि एडमिशन कब मिलेगा, ये भी समझ लीजिए आपका परसेंटेज सीट कितना, कैटेगरी तो खोजेगा ही, और सर्विस मैन कोटा में आते हैं, आपके पिताजी सर्विस करते जॉब करते सैनिक का, तो आपका होगा, तो सैनिक में तो आते ही है, तो इस जितना कैटेगरी सीट दिया गया है इसी कैटेगरी परसेंटेज में ही आपको भी एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपका एक अलग से रुतवा रहेगा एडमिशन के समय, आपको इतनी सी झमेला नहीं खोजना पड़ेगा, लेकिन आपका एक झमेला एक चीज रहेगा कि आपके पिताजी अगर सैनिक में हैं या माताजी सैनिक में हैं, तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप उनके बेटे हैं जो अभी सैनिक में हैं। समझ रहे बात? मान लीजिए आपका पिता है, आपके पिता बिहार पुलिस में हैं, तो आपका एक प्रूफ होना चाहिए कि आप वो जो बिहार पुलिस में व्यक्ति आप उन्हीं का बेटा है, एक प्रमाण पत्र खोजेगा एक पिता का कि हाँ ये जो बच्चा है ये मेरा बेटा है और मैं सैनिक में हूँ, कार्यरत हूँ या एक्सपायर कर गया, सैनिक से रिटायर कर गया हूँ, ये चीज प्रूफ खोजेगा। उसके बाद देखिए एक बात आती है कि अब इतना परसेंटेज लेगा सर, तो हमारा फार्मेसी करना है, BSc नर्सिंग करना है, तो करने से सीट मिलेगा, सुन लीजिए समझिए बात, जो फार्मेसी में करना चाहते हैं, फार्मेसी में बिहार सरकार टोटल सीट 120 दिया है, बिहार सरकार फार्मेसी कॉलेज का टोटल सीट जो दिया है, दुए को कॉलेज में दिया है गवर्नमेंट, तो 120 सीट दिया है, एक कॉलेज में 60 सीट होता है, 120 दिया है। अब एकरे पर समझिए कि 120 सीट आपका फार्मेसी के लिए है, और फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का दिया है 20 सीट। समझ रहे बात? फिजियोथेरेपी वाले में 20 सीट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले में 20 सीट है, यानी टोटल कहिए तो आपका 40 सीट यहां पे हो गया, 40 सीट हुआ ना, यही 40 सीट में आपका SC ST EBC RCG EBC और UR आता है। अब एकरे में परसेंटेज जोड़िए कितना कितना होता है। अब देखिए कोई स्टूडेंट कहता है कि BSc नर्सिंग करेंगे, तो BSc नर्सिंग वाला का जो सीट दिया है ना, टोटल 180 सीट है। BSc नर्सिंग जो स्टूडेंट करना चाहता है उनके लिए बिहार सरकार ज्यादा सीट नहीं दिया है, मात्र तीन गो कॉलेज दिया है, एगो NMCH पटना और एगो वर्धमान जो पावापुरी में खुला हुआ,
आई एगो भागलपुर में JLNMCH जो है भागलपुर, मात्र तीनों कॉलेज बिहार सरकार आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए दिया है। आई एक कॉलेज में 60 सीट होता है, टोटल 180 सीट है बीएससी नर्सिंग का। फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का 20 सीट है, फार्मेसी का 120 सीट, एगो मुजफ्फरपुर MIT ओरा में 60 को, टोटल दो कॉलेज दिया है 120 सीट। अब बात कर लेते हैं BMLT बैचलर मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो बैचलर मेडिकल लैब टेक्नीशियन में टोटल 4 कॉलेज दिया है और 4 कॉलेज में टोटल 20 सीट है, और इसको 20 सीट है तो समझिए 20 सीट ये दिया है तो टोटल आपका 4 × 8 = 80 सीट, यानी BMLT में जो टोटल सीट की संख्या हो गई कितना, 80 सीट हो गया। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाला में 80 सीट है, बीएससी नर्सिंग में 180 सीट है, और यहाँ पे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिला के 40 सीट, यानी 20 सीट, 40 सीट यहाँ हो गया, फार्मेसी 120। अब जोड़ लीजिए 100 NA 100 NA 80 और 20, यानी 300 NA 340 और यहाँ 80, कितना हो गया 420 सीट। अब बाकी 100 सीट बच जाती है, ओकरा में एक्सरे है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, वो सब जो आ जाता है वो लचर पचर होने हैं। तो टोटल सीट जब कम है, जो मेन कोर्स होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट का BCC के अंतर्गत जो प्रोफेशनल कोर्स आता है, यही कोर्स आता है, और इसमें सीटें कम दिया है, बच्चा इतना है तो क्या बताइए, जिसका कम नंबर आया है, जिनका रैंक गया है 7000 8000 9000 10000, तो क्या संभव है कि हो पाएगा? दिमाग लगाइए थोड़ा, इतना सीट में हो पाएगा? कॉलेज है ये नहीं है, सीट सरकार दे ये नहीं रहा है, मेडिकल कॉलेज 50 हुए पूरे बिहार में, 85 और नए नए खुल रहा है, और इसमें फार्मेसी के सीट नहीं दे रहा है, बीएससी नर्सिंग, अरे बीएससी नर्सिंग की कम से कम सीट दे देता 4, कम से कम 1000-2000 देता, 180 सीट दिया है खाली। ANMCH पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, वर्धमान कॉलेज पावापुरी, एगो JLNMCH भागलपुर, तो भागलपुर तीनों को कॉलेज है बिहार में, अरे गया भी दे देता, दरभंगा वाला में भी दे देता, बीटा वाला में दे देता, जन्ने जन्ने होने सब कॉलेज वाला में दे देता, एक वो बीएससी दो सीट देता तो 1000 होता। तो बिहार सरकार इतना गंदा काम किया, देख लीजिए, लेकर को भरवा देता है सीट, बाबू निकाल दिए बीसीसी का एक फॉर्म, आप भरो, पैसा लेगा 1200-1300 और सीट देता है, देख लो यही भीड़ होता है। लेकिन हार इसलिए मान लेता कि बाप रे बाप, इतना कम सीट है, इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो पाता, कारण यही है कि सीट नहीं है। इसलिए हम सबको बार बार बोलते हैं कि बीसीसी करते हैं अच्छी बात है, लेकिन साथ में नीट का फॉर्म भी भरा कीजिए, नीट में बहुत सीट है, 70-75 हजार सीट पूरे ऑल इंडिया में, समझ रहे हैं? एकरा में देखिए बिहार में 180 को सीट में दिया, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, इतना कम सीट है, परसेंटेज इतने, बीएससी नर्सिंग 180 दिया है और 180 में 16% एससी आता है, एसटी आता है 1%, ईबीसी भी 18% एकरे में आता है, बीसी भी इतने 12% एकरे में आता है, रिजर्व कैटेगरी में जो गर्ल आता है 3% एकरे में आता है, और 40% भी एकरे में आता है। अब इतने परसेंटेज में जोड़ लीजिए किसको किसको एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिल पाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। जेकर 100 नंबर आया है मिलेगा, 400 नंबर आया है संभावना तो बन जाता है कि बीएससी नर्सिंग में हो जाएगा, लेकिन वह डाउट में है, जेकर 400 नंबर भी आया ना वह डाउट पर है, हो पाएगा कि नहीं। हाँ एग्रीकल्चर दे देता है, एग्रीकल्चर बहुत सीट है, एग्रीकल्चर जितना ही है उतना अकेले एग्रीकल्चर है, वो दे देता है सीट, समझे, इतने ना है और है, समझिए कृषि विभाग, कृषि में जो एग्रीकल्चर में जाना चाहता है तो एग्रीकल्चर में सीट दिया है, टोटल दिया है 100 आपका 4 यानी 350 सीट है एग्रीकल्चर, 350 सीट है। और देखिए शास्त्री, भोला शास्त्री पासवान कॉलेज जो आपका पड़ता है यहाँ, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय है, कृषि महाविद्यालय, फिर एक भागलपुर में, तो भागलपुर वाला में दिया है 62 सीट, बाकी में 60 दिया है। अरे वो किशनगंज में आपका आता है डॉक्टर कलाम महाविद्यालय कृषि, उसमें भी दिया है, उसमें भी सीट दिया है। अब बताइए एग्रीकल्चर 350 सीट में टोटल, इन सब जितना ये अकेले पढ़ता उतना एग्रीकल्चर है,
अब उतने ना है, अब कोई वेटनरी में जाना चाहता है पशु वाला में तो दुइये को कॉलेज दिया है, एगो पटना दिया है, एगो नालंदा में जो नूरसराय में वो वाला कॉलेज, तो नूरसराय वाला नालंदा तो ओकरा में है 40 सीट और पटना वाला में दिया संजय गांधी वाला में और हमें 25 सीट है। तो जो पशुपालन में जाना चाहता है बताओ 40 उधार 25 65 को टोटल पशुपालन वाला में सीट दिया है और 65 सीट में क्या कितने स्टूडेंट को हो पाएगा, और वह में 65 सीट मत्यस्थ जो मत्यस्थ महाविद्यालय नूरसराय और हमें 40 को और संजय गांधी जो पटना में है पशु वाला ओकरा में 25 को है, समझ रहे बात। अब अपने दिमाग लगाइए कैसे कैसे सीट देगा, समझ रहे बात। तो इसलिए दोस्त थोड़ा और मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर आएगा तभी संभव हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो शेयर कर देना है तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।